हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। तो देखेंगे क्रूड ऑयल पे कहां पे एंट्री किया जा सकता है और कहां एग्जिट हो सकता है। तो आप पहले जो मार्केट में एंट्री करने के लिए लेंगे तो पहले आप लार्ज टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लीजिए, जैसे 4 आवर नहीं तो 1 डे में। जैसे आप देखेंगे तो 4 आवर में उसको ट्रेंड देख लीजिए। तो आप ये जो पैटर्न देखेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं अभी 4 आवर में, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ देखने से नॉर्मली हमको पता चल जाता है यह ट्रेंड कौन सा है, ये अप ट्रेंड है, राइट। तो और अप ट्रेंड में अगर आपको मिल गया तो एक रेंज में मार्केट चलता रहता है, तो उसका रेंज निकाल लीजिए, राइट। जैसे मैंने ये दो कनेक्ट करके एक रेंज निकाल दिया, तो आप देख सकते हैं ये एक मार्केट रेंज है। तो मार्केट रेंज जब रहता है तो मार्केट एक रेंज का अंदर में चलता रहता है, तो आपको पहले एंट्री करने से पहले ये निकाल लेना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट रेंज मतलब हमें एक टारगेट है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो मार्केट को पहले हम जो एक सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है और अभी हम निकाल लेंगे एक रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस के लिए दो मेथड है जो मैंने आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको निकाल लेना चाहिए। तो ये जो हायर पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दीजिए एक डायगोनल लाइन लेके, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, राइट। जैसे ये आप देख सकते हैं अभी रेजिस्टेंस लाइन हमें मिला। और नेक्स्ट अब जो पहले हायर पॉइंट था एग्जैक्टली वो हायर पॉइंट हाई टॉसेस एरिया, जैसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाई टॉसेस एरिया को हम कनेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाई टॉसेस एरिया, तो क्यों यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉस हुआ था सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट, तो इसलिए ये हमें एक रेजिस्टेंस मिला, राइट। तो रेजिस्टेंस मिलने के बाद हमें क्या करना है, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा ये चीज में, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर को ये समझ में नहीं आता है। हमें अभी दो रेजिस्टेंस लाइन मिला, राइट। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हैं हमें दो रेजिस्टेंस लाइन मिला, एक डायगोनल, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल और दो एक डायगोनल, राइट। इसका बीच में थोड़ा गैप है हमें, सो हमें जो ये गैप मिला हुआ है ये गैप होता है रेजिस्टेंस जोन, जो आदमी बोला जाता है ना एक रेजिस्टेंस। आपको कभी भी 100% परफेक्टली रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, जैसे ये आप देख सकता है 4500 टू एग्जैक्टली 4500 नहीं होता है। तो इसका आसपास जो एरिया मिलेगा हमें, तो उसका नीचे भी हो सकता है थोड़ा और ऊपर भी। तो ऊपर भी हमें मिल गया ये एक रेजिस्टेंस जोन, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन, मार्केट कभी भी यहाँ से ऊपर आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा का ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसको ब्रेकआउट करके 15 मिनट या कुछ भी हो इसका क्लोज हो जाता है, राइट। तो उसका बाद उसका खाया उसका मतलब फीलिंग आता है क्या ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो उसका बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, क्लोज हुआ, एंट्री कर दिया, यहाँ गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जोन जो है उसको फाइंड आउट करना प्रॉब्लम होता है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट ऊपर जाके फ्यूचर रेजिस्टेंस लाइन में आ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको एक रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए, एक रेजिस्टेंस। तो अभी जब हमें मिल गया रेजिस्टेंस, तो अब क्या करेंगे, हमें एक रेजिस्टेंस मिला और एक सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए हमें क्या मिला है, आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ था, मूविंग एवरेज से बाउंस। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट लाइन बना देंगे, राइट। ये हो गया सपोर्ट, क्यों बनाया इसको सपोर्ट में थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसलिए मैंने इसको सपोर्टिंग लाइन बनाया, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये टच हुआ था रेजिस्टेंस सपोर्ट, और सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, राइट। नाउ इट इज बिकम ए सपोर्ट, अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, हमें दो मिल गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मार्केट अभी इधर है, राइट। तो हमें एंट्री करना है, तो एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, 4 आवर में हम एंट्री नहीं करेंगे, तो इसलिए जाएंगे हम 15 मिनट और 5 मिनट पे, राइट। तो अभी देख सकते हैं हमें दो एरिया मिला, एक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जोन, राइट, और सपोर्ट नीचे में, राइट। तो
अभी आपको देखना है, कैसे देखना है आपको, आपको तो पता ही है 4 आवर में अप ट्रेंड है, राइट। 4 आवर मतलब जो टाइम लॉन्ग टर्म टाइम होता है, जो टाइम जोन जिसे 4 आवर है, लार्ज टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड है, ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज का ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज उसका ऊपर है, तो आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, 4 आवर में आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया 50 ने, 150 को क्रॉस ओवर किया, तो वहां से हमें कंफर्म। तो मैं पहले वीडियो में भी आपको बताया था कैसे ट्रेंड देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है 50 मूविंग एवरेज ने 150 को ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये एरिया में, राइट, ये एरिया में आप देख सकते हैं ये येलो जो 50 मूविंग एवरेज और ये क्या कलर है, ये ग्रीन ब्लू, ये क्रॉस हुआ है ये एरिया में, राइट, यहाँ पे। तो इसका कंफर्मेशन होता है क्या, लार्ज टाइम फ्रेम में जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसमें मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, अभी चौथा टाइम फ्रेम में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा टाइम फ्रेम में अभी भी डाउन ट्रेंड है 200 मूविंग एवरेज की, बात आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ से मार्केट एक रिट्रेस किया, ये एरिया से रिट्रेसमेंट किया, राइट, मार्केट बड़ा टाइम फ्रेम में जैसे अप ट्रेंड लिया, अभी रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेस करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, राइट, कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर कभी नहीं जाता, वो रिट्रेस अप, रिट्रेस अप, रिट्रेस अप, लाइक, राइट। तो ये अभी देखा आपने, यहाँ से गया हायर पॉइंट 4000, फिर से रिट्रेस किया और अभी फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो हमें ऑलमोस्ट रिट्रेस कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग लाइन था वहाँ पे आ गया, तो सपोर्टिंग लाइन आने का बाद आप देख सकते हैं अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, राइट। सो 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये जो हमें सपोर्टिंग लाइन मिला था ऑलरेडी सपोर्टिंग लाइन का आसपास दिया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसका अंदर में क्या होता है, तो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, फिर से रिट्रेस कर रहा है, राइट। तो रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, ये सपोर्टिंग लाइन हमें मिला, तो सपोर्टिंग लाइन में हम क्या करेंगे, ये एरिया में एंट्री करेंगे और एग्जिट ऊपर करेंगे, राइट। तो इसलिए हमें एक छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और एक चीज है यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने के लिए, तो हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट को देखा हमें और रिट्रेसमेंट मिला कहाँ पे हमें, 50% रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ से ये एरिया 50%, राइट, ज्यादा से ज्यादा 15% हायर प्रॉफिटेबल होता है, जैसे ये 50% रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी, तो ये अगर हम इसको ए बोले, इसको बी, और अभी जो रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पे हमें मिलेगा सी, सी में हम एंट्री करेंगे तो हम 130% और 123 इसमें हम एग्जिट कर सकता है ये रीजन में, राइट। उसके बाद फ्यूचर रिट्रेसमेंट फिर से होगा, फिर से एंट्री करेंगे यहाँ पे फिर से इसके लिए, तो आपको वेट करना कहाँ तक, एंट्री करने के लिए 50% रिट्रेसमेंट, जो आपका लेवल रहेगा तब आप 3580 और यहाँ पे एंट्री करेंगे, और इनकेस इसने ये जो लेवल ब्रेक कर दिया लोअर पॉइंट, राइट, तो हम क्या करेंगे, तब हम सेल में घुसेंगे, सेल में घुसने के लिए कहाँ पे हमें मिला हुआ है सेल के लिए हमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे हमें सेल शुरू करना है, तो कहाँ करना है, 3825 का नीचे में ही हमको सेल करना है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।